नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज है 29 मई और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले दोस्तों, हम लोग कल का रिवीजन कर लें जिससे कि कल की चीजें भी हमारे दिमाग में एक बार अच्छे से सेट हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन बना है? तो दोस्तों, कोलकाता बना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, देखिए ये अबकी बार परीक्षा में आएगा तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर ले। किसे दिया गया है? तो गीतांजलि श्री को दिया गया है। कहाँ की रहने वाली है? तो भारत की जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ। इनकी पुस्तक कौन सी है दोस्तों? तो उपन्यास है रेत का मकबरा, मतलब टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको क्या करना है दोस्तों, एकदम अच्छे से याद कर लेना है। IBA की एथलीट समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो लवलीना बोरगोहेन बनी है। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो पियाली बसाक बन गई है, पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। और दोस्तों, 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी जी ने की। और लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर कौन बनी है? तो मोहिंदर के मिधा जो है भारतीय मूल की है, दलित महिला मेयर बनी है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड किसे दिया गया? तो पश्चिम बंगाल को दिया गया। सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला जो है दूसरा राज्य कौन बना? तो छत्तीसगढ़। और पहला कौन था दोस्तों? तो ये था उड़ीसा। महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों, चौथा स्थान रहा, इंपॉर्टेंट है। कितने पदक भारत ने जीते? तो 3 पदक, 1 गोल्ड है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। पहले स्थान पर कौन रहा? तुर्की। और आयोजन कहां हुआ? तुर्की के इस्तांबुल में ही आयोजन भी हुआ था। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य की योजना है दोस्तों? तो राजस्थान की है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इसका कौन सा संस्करण था? 8वां। किसने जारी किया? तो आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने। और किस मिशन के तहत जारी किया? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत जारी किया गया। अगला, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो लालगुड़ी J.R. कृष्णन व विजय लक्ष्मी को दिया गया है। चलिए कल के विशेष बिंदु का रिवीजन कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ पीस, ये कहां कहां पर है, ऊंचाई कितनी है, किसकी प्रतिमा है, ये 3 चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। देखिए, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। गुजरात के नर्मदा जिला साधुबेट द्वीप केवड़िया स्थान है। और दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है 182 मीटर की। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति है। कहां पर है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में है। 216 फीट इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों, किसकी है? तो संत श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस की बात करें तो इसकी ऊंचाई 27 फीट। कहां पर? पाली राजस्थान। किसकी प्रतिमा? तो ये जैनाचार्य है विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की प्रतिमा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, आज के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आज की बाकी की जो भी क्लासेस शाम को रहती हैं तो वो संभवतः नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मैंने बताया था 29 तारीख को, ठीक है, अंकित सर की जो है एनिवर्सरी है, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, तो उसकी वजह से उनकी बाकी की क्लासेज नहीं चल पाएंगी। आप लोग सोच रहे हैं कि अंकित सर बोला जा रहा है तो ये पढ़ा कौन रहा है? तो दोस्तों, मैं ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर आज जो है कई सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो जिसकी वजह से आगे की क्लासेज जो है आज की नहीं हो पाएंगी। फिलहाल चलिए आगे शुरू करते हैं। हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन WTO की समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों, ये है भारतीय अनवर हुसैन शेख को क्या किया गया दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया। किसे? अनवर हुसैन शेख को। अब बात हुई है विश्व व्यापार संगठन की WTO की, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई, मुख्यालय जिनेवा में है और वर्तमान में अध्यक्ष है नगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, अब देखिए यहां पर नियुक्ति की बात हुई है तो चलिए कुछ और रिवीजन कर लेते हैं। IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो लवलीना बोरगोहेन बनी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक गिल्बर्ट होंगबो बने हैं। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के महाप्रबंधक कौन बने हैं? तो वसीम खान। और WHO के महानिदेशक कौन बने हैं? तो टेड्रस एधानोम गेब्रियसिस दोबारा से चुने गए हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है गुजरात के गांधीनगर में, और पूछे कि गांधीनगर में कहां, तो एक कलोल है वहीं पर, इफको है, क्या है? इफको है, और वहीं पर इसका जो उद्घाटन किया गया, किसने किया? तो गांधी जी, माफ कीजिएगा, गांधी जी कह रहे हैं, मोदी जी ने क्या किया है, उद्घाटन किया है। यहां गांधीनगर नाम था ना, तो देखिए मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, याद करिए, नैनो यूरिया संयंत्र। और दोस्तों इसमें लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, लिक्विड मतलब तरल फॉर्म में इसका निर्माण होगा। एक सीसी यूरिया जो है ना, एक सीसी लिक्विड यूरिया जो होगी वो एक बोरी बोरी जो है यूरिया के बराबर कार्य करेगी। तो इसको आप याद रखेंगे, नैनो यूरिया संयंत्र दोस्तों कहां पर, गुजरात के गांधीनगर में। अब आइए कुछ और चीजें देख लेते हैं देश में पहला, और गुजरात के बारे में। देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी कहां पर, गुजरात के बनासकांठा जिले में, और वहीं पर एक बनास डेयरी है, वहीं पर इसकी स्थापना या उद्घाटन किया गया। हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहां पर लगाई गई, तो गुजरात के मोरबी में। देश का पहला पोर्टेबल रूफ टॉप सोलर संयंत्र ये गुजरात के गांधीनगर में। देश की पहली स्टील रोड और वैश्विक पाटीदार सम्मेलन ये दोनों कहां पर आयोजित किया गया, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया, तो गुजरात के सूरत में इसका उद्घाटन किया गया। तो इतनी सारी चीजें आपको यहां पर याद करनी है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल, तो याद करिएगा ये है फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल, और इसमें जो है एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड, याद कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तों सम्मानित किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। किसे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरस्कार की बात हो रही है फिल्म के। तो चलिए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 कौन सी फिल्म जो है पुरस्कार प्राप्त किया ऑस्कर का, तो फिल्म कोडा ने। डायरेक्टर मतलब सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जेन कैंपियन, अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, जेन कैंपियन को द पावर ऑफ द डॉग के लिए, और अभिनेत्री कौन है, जेसिका चेस्टन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। बात करें 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग, डायरेक्टर कौन है, जेन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए, विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए, और एक्ट्रेस है निकोल किडमैन, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको यहां पर याद कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेंगलुरु में आयोजित अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु, ठीक है, अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, मतलब पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ये दो बार लिख दिया गया, ठीक है। तो देखिए किसे प्रदान किया गया दोस्तों, डॉक्टर विश्व करियप्पा को दिया गया है। किसे दिया गया दोस्तों, डॉक्टर विश्व करियप्पा को दिया गया है। ये सैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक हैं, ठीक है, ये कर्नाटक की एक कंपनी है और उसी के प्रबंध निदेशक है, और ये बेंगलुरु में एक आयोजन हुआ था और उसी में इन्हें अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु का पुरस्कार दिया गया। आइए कुछ और पुरस्कार देख लेते हैं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 ये तो आपने देखा ही, ठीक है, गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड या रेत का मकबरा। बुकर पुरस्कार हमने बताया था, मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग अलग होते हैं, तो बुकर पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया, अभी 2021 दिया गया, तो किसे दिया गया, डेमन गलगुट को दिया जा चुका है द प्रॉमिस के लिए। ये पुस्तक और राइटर सभी इंपॉर्टेंट हैं, यहां से एक प्रश्न आपको मिलेगा, यकीन मानिए दोस्तों इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको पेपर में मिलने वाला है। साहित्य का नोबेल 2021 किसे दिया गया, तो आपको पता है कि अब्दुल रजाक गुरना, जिन्होंने गुनाह करके भी क्या किया, पैराडाइज मतलब स्वर्ग प्राप्त किया, तो इनकी रचना कौन सी है, पैराडाइज है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं। अगला प्रश्न है, महिला स्वास्थ्य के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, ठीक है, महिला स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस दोस्तों कब मनाया गया, तो 28 मई को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, रेसिस्ट एंड परसिस्ट, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा थीम रेसिस्ट एंड परसिस्ट, और उद्देश्य क्या था दोस्तों, महिलाओं के स्वास्थ्य व अधिकारों के लिए लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य था। चलिए अब बात करते हैं, महिला की बात हुई है तो महिला से संबंधित और दिवस देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है, डन करके रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट, यहां देखिए पवन और सौर मतलब वायु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों का हाइब्रिड मतलब संकर है, ठीक है, तो हाइब्रिड पावर प्लांट है
तो ये पावर मतलब पावर प्लांट मतलब विद्युत प्लांट है, ठीक है। तो आप यहां पर याद करेंगे कि हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा का हाइब्रिड पावर प्लांट दोस्तों कहां पर शुरू किया गया, ये शुरू किया गया है जैसलमेर में। कहां? जैसलमेर में। और जैसलमेर कहां है दोस्तों? तो राजस्थान में है। डन है। अब देखिए अदानी ग्रीन आर्म की सहायक कंपनी अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसकी क्षमता कितनी होगी? 390 मेगावाट इसकी क्षमता होगी दोस्तों। याद करिएगा आप अदानी ग्रीन आर्म, ठीक है। अगर ये भी परीक्षा में ये ऑप्शन में है तो इसको आप सही लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों बात हुई जैसलमेर की, ठीक है। तो यहां पर दो शहर, एक है जैसलमेर और एक है बाड़मेर, ठीक है। तो बाड़मेर से हमने बताया था बाड़मेर बाजरा, मतलब बाजरा अनुसंधान संस्थान, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां पर? बाड़मेर में। जैसलमेर में खादी का सबसे बड़ा तिरंगा जो फहराया गया था वो कहां फहराया गया था? जैसलमेर में। इतनी सारी चीजें तो आपको एकदम अच्छे से याद ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल, क्या है रक्षा संपदा सर्किल का को मंजूरी दी है? किसने? राजनाथ सिंह जी ने मंजूरी दी है। चलिए राजनाथ सिंह जी कौन है? तो रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री। और किस चीज को इन्होंने मंजूरी दी है? तो नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है। तो किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। देखिए इस सर्किल के अनुसार रक्षा संपदा का स्वतंत्र कार्यालय कहां पर खोला जाएगा? तो ये देहरादून में खोला जाएगा। और इसका उप कार्यालय कहां पर खोला जाएगा? तो उत्तराखंड के रानीखेत में इसका उप कार्यालय खोला जाएगा। इसका कार्य क्या है दोस्तों? कि ये निवासियों संगठनों को रक्षा भूमि प्रबंधन की अनेक सेवाओं के लिए समय पर और त्वरित मतलब शीघ्रता से सुविधा प्रदान करेगा। किस चीज के लिए? देखिए संगठनों को रक्षा भूमि प्रबंधन की विभिन्न सेवाओं के लिए, ठीक है। तो भूमि प्रबंधन की सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाएं और समय पर त्वरित सेवाएं जो है उपलब्ध कराएगा। डन है। अब देख लीजिए, तो ये याद करिएगा आपकी रक्षा संपदा सर्किल, ठीक है। और दोस्तों इसका कार्यालय कहां पर? देहरादून में। उप कार्यालय रानीखेत में खोला जाएगा। अब देखिए यहां पर दोस्तों कि उत्तराखंड के बारे में कुछ और चीजें, स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना है। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड ने लॉन्च किया। पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां पर? देहरादून में खोला गया। हिम प्रहरी योजना दोस्तों कहां किसने चलाई? उत्तराखंड ने चलाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो आप सभी लोगों को ये प्रश्न एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अगला हमारा प्रश्न है, 27 मई 2022 को भारतीय व्यापार पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय व्यापार पोर्टल की बात हो रही है तो दोस्तों किसके द्वारा? अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री है। क्या है? वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री है। ये है भारतीय व्यापार पोर्टल। आइए देखते हैं ये भारतीय व्यापार पोर्टल है क्या। तो यह पोर्टल जो है भारतीय निवेशकों और विदेशी खरीदारों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में काम करेगा। देखिए यहां पर क्या होगा दोस्तों कि भारत के जो निवेशक होंगे, ठीक है, जो पैसा लगाने वाले होंगे और विदेश के जो खरीदार होंगे वो इसी पोर्टल पर आकर बड़े अच्छे से मिल सकते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में कार्य करेगा। और दोस्तों पोर्टल भारतीय निर्यातकों को डिजिटाइज करेगा। क्या करेगा? जो भारत के निर्यातक हैं यहां से जो बाहर सामान बेचते हैं, तो देखिए निवेशक की बात हो रही है, भारतीय निवेशक, तो यहां से जो बाहर जाते हैं बाहर सामान बेचते हैं, तो उन्हीं को दोस्तों क्या करेगा? डिजिटाइज करेगा और उन्हें ऑनलाइन खोजने योग्य बनने में मदद करेगा। मतलब ऑनलाइन जो है जो विदेशी खरीदार होंगे उन तक आसानी से पहुंच सकेंगे। तो इतनी सारी चीजें क्या है आपको अच्छे से एकदम याद कर लेनी है। डन है। अब देखिए दोस्तों कुछ और पोर्टल देख लेते हैं। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिजली समस्याओं से निराकरण। कलम वेबसाइट ओम बिड़ला जी ने लॉन्च किया है, लोकसभा अध्यक्ष। और दोस्तों याद कीजिएगा जो स्थानीय साहित्य है उसको बढ़ावा देने के लिए। फास्टर पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया, एनवी रमणा जो कि मुख्य न्यायाधीश है, इन्होंने लॉन्च किया है। जो भी आदेश पारित होते हैं शीघ्रता से लोगों तक पहुंचाने के लिए।
गति शक्ति संचार पोर्टल अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, ठीक है दोस्तों, क्यों तो लोगों की ब्रॉडबैंड तक पहुंच को बढ़ाने के लिए इसको इन्होंने लॉन्च किया है। ई दार पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो परिवहन मंत्रालय के द्वारा ई दार पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि जो भी दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनकी तुरंत तत्काल सूचना मिल सके। अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट किसने पेश किया, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी ने भारत उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया है। अब देखिए बजट में कितनी धनराशि दी गई, तो 6,15,518 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो कि 2021-22 में कितना था, 5,50,270। तो दोस्तों एक परीक्षा वीडियो की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ठीक है, मतलब उस समय जो भी बजट पेश किया गया था उसे पूछा गया था कि पिछले की तुलना में कितना ज्यादा या अधिक है, कम है, ठीक है, तो ये आप लोग इसमें अंतर कर लेंगे कि कितना ज्यादा या कम है। अगला प्रश्न हमारा मूडीज, मूडीज एक रेटिंग कंपनी है, ने वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो भारत का जो विकास दर है दोस्तों उसको घटाकर 8.8% कर दिया, पहले कितना अनुमान था तो 9.1% अनुमान था, 2022 के लिए अब ये घटाकर 8.8 कर दिया गया है। क्यों, इसका कारण क्या है, तो कारण बताया गया है हाई इन्फ्लेमेशन, इसका कारण बताया गया है, डन है, इतनी सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। अब दोस्तों देखते हैं आज का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, चलिए। WTO समिति के अध्यक्ष अनवर हुसैन से, दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र गुजरात के गांधीनगर में उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया, फ्रेंच रिवेरा फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया, अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु अवार्ड डॉक्टर विश्व करियप्पा को दिया गया, और महिला स्वास्थ्य के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 28 मई और थीम क्या है, रेसिस्ट एंड परसिस्ट। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट दोस्तों कहां पर इसका उद्घाटन किया गया, कहां पर खोला गया, तो ये जैसलमेर में 390 मेगावाट इसकी क्षमता है, और किसके द्वारा, तो अदानी ग्रीन आर्म के द्वारा खोला गया। नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी किसने दी, तो उत्तराखंड राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा दी गई। भारतीय व्यापार पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो अनुप्रिया पटेल जी ने लॉन्च किया, जो कि वाणिज्य राज्य मंत्री है और भारतीय निवेशक व विदेशी खरीदार के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार केंद्र है ये, ठीक है, उसके रूप में ये कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश 2022-23 का बजट दोस्तों किसने पेश किया, तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है, उनके द्वारा 6,15,518 करोड़ रुपए का बजट है, और 2021-22 में 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट था। मूडीज द्वारा भारत की वर्ष 2022 में विकास दर को कितना कर दिया गया, तो 9.1 से घटाकर 8.8 का अनुमान कर दिया गया है, डन है। अब दोस्तों आज के विशेष प्रश्नों में देखिए, यहां पर अभी फिल्म पुरस्कारों की थोड़ी सी चर्चा हुई थी, तो उसके बारे में पूरा दिया गया है, ठीक है। 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 का है ये सब, ठीक है, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म दो में गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा में द पावर ऑफ द डॉग है, ठीक है, और ऑस्कर में केवल कोडा ने प्राप्त किया है। बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता, तो तीनों पुरस्कारों में विल स्मिथ किसके लिए, किंग रिचर्ड के लिए, तीनों में इन्होंने प्राप्त किया है। और दोस्तों बात करें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की, तो जेन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए, डन है। और आपको देखिए अभिनेत्री है, गोल्डन ग्लोब में निकोल किडमैन, बाफ्टा में जोआन स्कैनलॉन और ऑस्कर में जेसिका चेस्टन, इतनी सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से याद कर लेनी है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कल का प्रश्न, तो कल का प्रश्न में था कि सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो ये दोस्तों मणिपुर में मनाया गया। सिरुई लिली महोत्सव जो है दोस्तों, ये जो सिरुई लिली है ना, ये मणिपुर का क्या है, राजकीय पुष्प भी है। नागालैंड की बात करें तो आपको पता है कि कौन सा, हार्नबिल महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों लेवेंडर फेस्टिवल, ठीक है, ट्यूलिप महोत्सव, ये सारी चीजें यहां पर मनाई जा चुकी है। तमिलनाडु में दोस्तों मैंने बताया था पंगा लिया तो मिल काट डालूंगा, पंगा लिया मतलब पोंगल, तो मिल से हो गया तमिल, काट डालूंगा से जल्ली कट्टू, पोंगल और जल्ली कट्टू दोनों कहां, तमिलनाडु में। अगला है आभा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया NHA मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया। WHO ने लॉन्च किया है तंबाकू छोड़ो ऐप, क्या, तंबाकू
छोड़ो ऐप किसके द्वारा? WHO के द्वारा, सेबी के द्वारा। कौन सा एप्लीकेशन? तो दोस्तों सारथी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, आज का प्रश्न है दोस्तों, आर्मी एविएशन फोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर चार नाम आपको दिए गए हैं और इन चारों नामों का कुछ अपना महत्व है, तो चारों नामों के बारे में आपको लिखना एकदम इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। आप जितना लिखेंगे उतना ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चार राज्यों के नाम है। चारों राज्यों में खेल से संबंधित या अन्य चीजों से संबंधित तमाम जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, तमाम करंट अफेयर्स आपको पढ़ा दिया गया है, जितना आप लिख सकते हैं। आप कमेंट में ना लिखे, कमेंट में केवल उत्तर दें, लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में सारी चीजें गूंजनी चाहिए, ना गूंजे तो आप उसको जाकर देखें और बिल्कुल दिमाग में सेट करें, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने बताया कि आज शाम की आपकी क्लासेस जो है नहीं चल पाएंगी, कल से फिर कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।